नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र में गत 1 जून से प्रारंभ हुआ जन समस्या निवारण शिविर का समापन 10 जून को देव बलौदा में संपन्न हुआ। इस शिविर में निगम महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर, निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर सहित जन प्रतिनिधि व निगम के अधिकारी शामिल। इस शिविर में वार्ड क्रमांक 30 उरला, वार्ड क्रमांक 31 देवबलोदा शिव मंदिर, वार्ड क्रमांक 32 देवबलोदा बस्ती, वार्ड क्रमांक 33 देवबलोदा सागर पारा, वार्ड क्रमांक 34 जी के बिन चरोदा, वार्ड क्रमांक 35 जी के बिन पीपी यार्ड तक के जनप्रतिनिधियों एवं वार्डवासी शामिल होकर अपनी समस्या के आवेदन दिए। वही महापौर ने बताया कि जन समस्या निवारण शिविर में कुल 236 आवेदन विभिन्न विभाग जैसे लोक निर्माण, जल कार्य, समाज कल्याण, सफाई, स्वास्थ्य, खाद्य, समाज कल्याण, विद्युत विभाग से प्राप्त हुए, जिनके तत्काल निराकरण के निर्देश निगम आयुक्त द्वारा जारी किए गए हैं। देखिए, विभिन्न वार्डों में पूरे 40 वार्डों के लिए 9 जगह विभिन्न वार्डों में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 236 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे आवेदन जो तत्काल जिसका निराकरण होना था, कुछ लोग राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन किए थे, जिसके पास श्रम कार्ड था, जिसका 2011 का जनगणना सर्वे का सूची था, उनको तत्काल वहां पर बीपीएल राशन कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है और उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिनके पास दस्तावेज पूर्ण नहीं थे, ऐसे अपूर्ण राशन कार्डों को समीक्षा के लिए रखा गया है ताकि उसको भौतिक सत्यापन किया जा सके। दूसरा, सबसे ज़्यादा आवेदन पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित आए थे। विभिन्न वार्डों में जो लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं, लोगों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही है, लोग चाहते हैं कि उनके गली और उनके नालियों का भी सीसी रोड हो, नाली बने, निश्चित रूप से उसकी मांग जायज है, क्योंकि विगत समय से कार्य नहीं हुआ था, लेकिन जब काम होना शुरू हुआ है तो लोगों की अपेक्षा बढ़ी है, तो उसको प्राथमिकता के तहत उसके काम को पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ जो विद्युत विभाग से भी संबंधित आवेदन आए थे, जहां पर विद्युत खंभे की मांग की गई है, मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत वहां पर विद्युत खंभे दिए जाएंगे और लाइट लगाया जाएगा। कुछ आवेदन नजूल के जो जगह है उसके लिए पट्टे का आया था, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनसे पहले 1984 के पट्टे का रिन्यूअल किए थे, सर्वे हो चुका है, सर्वे होने के पश्चात सिरसा का, गनियारी का और सोमनी का जो नजूल जगह है और जहां पर आबादी बसी हुई है, बसाहट है, 50 से ऊपर घर जहां पर निवासरत कर रहे हैं, ऐसे खसराओं को चिन्हांकित किया जा चुका है और माननीय कलेक्टर महोदय के पास उनको आबादी घोषित करने के लिए भेजा जा चुका है, बहुत जल्द उनको पट्टा भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो जलावर्धन योजना के जो पाइपलाइन गए हैं, वहाँ बसाहट पहले 2011 के अनुसार बसाहट का सर्वे हुआ था और उस आधार पर लोगों के घर कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन आज 2021 को यदि हम जनगणना को रेशियो माने तो लगभग 1200 से ज़्यादा बसाहट और बसी हुई है। वहाँ पर कुछ जगह पर घरेलू नल कनेक्शन की समस्या है, तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव बनाकर राज्य शासन को भेजा है, जल आवर्धन योजना के जो फेस टू की हमको योजना में जो शामिल किया गया है, उसके तहत उन घरों में, छूटे हुए घरों में भी जल आवर्धन योजना का लाभ उनको। बहरहाल, इस 10 दिवसीय शिविर में सबसे अधिक मांग एवं समस्या के आवेदन प्राप्त हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।